नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भागलपुर ब्लास्ट पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, दिए जांच के आदेश। हादसे में अब तक 14 की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर शहर के काजावली चक इलाके में हुई विस्फोट की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही इस घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बुलाकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। नीतीश कुमार ने इस घटना में घायल हुए लोगों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। साथ ही घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि इससे पहले भागलपुर में ब्लास्ट की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। नीतीश कुमार से फोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे घटना की जानकारी ली है और पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के भागलपुर में धमाके से हुई जनहित की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात हुई। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। बिहार में अब सार्वजनिक होगी मुखिया प्रमुख समेत सभी पदाधिकारियों की संपत्ति। विभाग ने 31 मार्च तक मांगा ब्यौरा। बिहार में अब मुखियों पर आफत आने वाली है। मुखिया प्रमुख समेत सभी पदाधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक होगी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सभी पदधारकों को 31 मार्च अनिवार्य रूप से अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों दिशा निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि पंचायतों के पदधारकों में मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं। विभाग का मानना है कि पंचायतों को विकास कार्य के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी बहुत जगहों में ऐसी शिकायतें आती रहती है कि धनराशि का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि सरकारी सेवकों की तरह पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधि भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। पटना में जल्द ही प्रमुख स्थानों पर मिलेगा नीरा। 510 दुकानदारों को मिला लाइसेंस। पटना में कुछ दिनों में 10 से 15 स्थानों पर नीरा की बिक्री होने लगेगी। पटना जू में भी 2 और स्थानों पर नीरा बिक्री का स्टॉल खोलने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर जीविका की ओर से जू अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो पटना जू में भी अब नीरा की बिक्री होगी। फिलहाल पटना जू गेट नंबर 2 के बाहर नीरा की बिक्री हो रही है। रोजाना करीब 20 से 25 लीटर नीरा यहां बिक रहा है। एक गिलास नीरा के लिए 10 रुपये लिए जा रहे हैं। शराबबंदी के बाद ताड़ी बेचने वालों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए सरकार नीरा को बढ़ावा दे रही है। नीरा आसानी से उपलब्ध हो सके इसके लिए जीविका के सहयोग से 790 परिवारों को नीरा बनाने से लेकर इसकी मार्केटिंग तक की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें 510 को नीरा की बिक्री करने का लाइसेंस भी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से मिल चुका है। बिहार में निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर सरकारी के बराबर फीस, बोले मंगल पांडे, अगले सत्र से लागू। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार का आदेश है कि अगले सत्र से देश भर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर छात्र छात्राओं से सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर फीस ही ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हर वर्ष नेट के माध्यम से नामांकन होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस के निर्धारण के लिए रिटायर्ड जज अखिलेश चंद्रा की अध्यक्षता में स्वतंत्र कमेटी बनी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में अगले 3-4 वर्षों में 24 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। फिलहाल एम्स व ESIC मेडिकल कॉलेज बीटा सहित राज्य में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में MBBS की 1850 सीटें हैं। राज्य में आजादी के बाद 56 साल में 6 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि उसके बाद 20 वर्षों में 18 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएंगे। बिहार विद्यापीठ को लेकर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, संस्थान की जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं। पटना हाईकोर्ट ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े पटना और सिवान के पुस्तैनी मकान और समाधि स्थल के जीर्णोद्वार को लेकर दायर लोकहित याचिका की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता विकास कुमार द्वारा दायर इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को कहा है कि वे सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठकर इस मामले में उचित निर्णय ले। उसके बाद
कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई में कोर्ट को दे। सुनवाई के दौरान पटना के डीएम और बिहार विद्यापीठ के चेयरमैन भी कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने इनसे कहा कि पटना स्थित बिहार विद्यापीठ की जमीन का पूरा ब्यौरा कोर्ट में दिया जाए। कोर्ट का कहना है कि राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी संपत्तियों को जल्द से जल्द बगैर विलंब के सुरक्षित किए जाने की जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिहार विद्यापीठ के चार दीवारी के भीतर की भूमि राष्ट्र की धरोहर है, न किसी की निजी संपत्ति। कोर्ट ने पटना डीएम को बिहार विद्यापीठ की भूमि का विस्तृत ब्यौरा देने के साथ ही यह बताने को कहा कि इसकी कितनी भूमि पर अतिक्रमण है, साथ ही इससे संबंधित कितने मामले अदालतों पर सुनवाई के लिए लंबित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों नहीं इसके प्रबंधन का जिम्मा फिलहाल राज्य सरकार को दे दिया जाए। बेगूसराय रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया सर्वे। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बेगूसराय रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सर्वे किया। चार सदस्यीय टीम के द्वारा सर्वे कार्य किया गया। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर विनोद कुमार के नेतृत्व में स्टेशन पर पैसेंजर से इंटरव्यू सर्वे, पार्किंग सर्वे, रोड व ट्रैफिक सर्वे एवं यात्रियों के स्टेशन परिसर में प्रवेश व निषेध पर सर्वे किया गया। सर्वे करने के दौरान अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर ने कहा कि रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर अथॉरिटी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर यहां विकास कार्य शुरू किया जाएगा। बिहार के बजट में महिलाओं की सुविधाओं का भी जिक्र। जानिए नीतीश सरकार से क्या मिली सौगात। बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपए का नया बजट पेश किया। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानमंडल के दोनों सदनों में इसे प्रस्तुत किया। सरकार के तरफ से बजट पेश करने के दौरान वित्त विभाग का जिम्मा संभाले तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने महिलाओं की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा है। राज्य सरकार 2022-23 में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, अल्पसंख्यकों व अन्य वांछित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कुल 12,375 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पोषाहार योजना के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व गर्भवती को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। सरकार ने बताया कि 2021-22 योजना के तहत 27.28 लाख बच्चों को पका भोजन, 23.32 लाख बच्चों के लिए टेक होम राशन तथा 10.52 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन दिया गया है। बिहार के केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन बड़े बदलाव के साथ शुरू। जानिए किन बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार समेत तमाम जगहों के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहली क्लास में दाखिले के लिए 28 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि तय की गई है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कक्षा 1 के साथ ही अन्य कक्षाओं में भी सीटें खाली रहने पर नामांकन किया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 में नामांकन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कक्षा 1 में नामांकन के लिए आयु सीमा पहले 5 साल निर्धारित थी, अब इसमें 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। अब कक्षा 1 में 6 साल की उम्र में दाखिला लिया जा सकेगा। 31 मार्च को उम्र की गणना की जाएगी। एडमिशन में आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जाना है, साथ ही 25% सीट RTE के तहत आरक्षित रहेगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म 2022-23 के लिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार के पारस अस्पताल में लीवर का सफल ऑपरेशन। सिर्फ 30% लीवर पर जिंदा है कैंसर पीड़ित महिला, डॉक्टरों का दावा। यह बिहार का पहला मामला। राजधानी पटना स्थित पारस HMRI हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है। यहां के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक 65 वर्षीय महिला के लीवर का सफल ऑपरेशन किया है। महिला का लीवर 70% खराब हो चुका था। पित्त की थैली में हुए कैंसर के कारण लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों की टीम ने 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद महिला का 70% लीवर काटकर निकाल दिया। अब मात्र 30% लीवर पर महिला जिंदा है। पारस अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि यह बिहार का पहला ऐसा मामला है, क्योंकि ऐसे मामले देश के लिए भी रेयर है। बिहार में बढ़ती लीवर की समस्याओं को देखते हुए पारस हॉस्पिटल में लीवर क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी की रहने वाली 65 वर्षीय रजिया खातून को पित्त की थैली का कैंसर था। कैंसर के कारण लीवर भी प्रभावित हो गया था। लीवर के दाएं भाग में खून की सप्लाई एवं पित्त की नली को भी अपनी चपेट में ले लिया था। डॉक्टरों का कहना है कि 60-70% लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था।
सिपाही बहाली में फर्जीवाड़ा, अपनी जगह दूसरे को बैठाकर दी लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट हुआ तो पकड़ी गई। बिहार में चल रही सिपाही बहाली में दो फर्जी महिला अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। दोनों ही परीक्षार्थियों ने स्वीकार किया है कि सिपाही बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बिठाया था। सिपाही बहाली परीक्षा में शुक्रवार को चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में दो महिला अभ्यर्थियों को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में भेज दिया। बता दें कि बिहार में चल रही सिपाही बहाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पटना हाई स्कूल के मैदान पर दोनों आवेदिकाओं के अंगुली के निशान नहीं मिले। शक होने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने फर्जी तरीके से लिखित परीक्षा पास होने की बात स्वीकार की। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।